हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल निविदा क्लासेस। आई एम निविदा जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में जॉइंट हिंदू फैमिली एंड कोपार्शनरी में क्या डिफरेंसेस है एंड उसमें केस लॉस क्या क्या है एंड जो उसकी विशेषताएँ क्या क्या है, कोपार्शनरी का जो विभाजन कैसे होता है एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कैसे एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना की जाती है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली किसे कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ों को लिखी हूँ, तो इसको देखने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली किसे कहते हैं। एक समान पूर्वज से उत्पन्न पुरुष, उत्पन्न मीन्स पैदा हुए जो पुरुष रहते हैं, या फिर उनकी वाइफ हो गई, या फिर अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड जो सन है, वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना करते हैं। क्या करते हैं? ज्वाइंट हिंदू फैमिली। आप अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली में रहते होंगे तो आपको ऑफकोर्स पता होगा कि आपके चाचा हैं, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, सारे लोग मिलकर, दादा वगैरह मिलकर एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि क्या होती है कि जैसे कि एक अनमैरिड जो लड़की रहती है, डॉटर रहती है, अगर उसकी शादी हो जाती है तो शादी हो जाने के बाद वो पति के परिवार की मेंबर बन जाती है, पति की फैमिली की मेंबर बन जाती है। जैसे कि आपकी माँ हो गई, तो क्या होती है कि आपकी माँ अगर डॉक्टर थी अपने पिता के घर में, तो वो आपके घर में आती है तो वो आपके परिवार की सदस्य बन जाती है। उसी प्रकार आपकी सिस्टर हो गई या आपकी डॉक्टर हो गई, अगर अपने पति के घर जाती है तो वो अपने पति के परिवार की मेंबर बन जाती है। ओके, अब यहाँ पर बात कहा गया है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली में दो पुरुष मेंबर होने चाहिए, क्योंकि एक पुरुष मेंबर जो है कभी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना नहीं कर सकता है। दो पुरुष मेंबर होने चाहिए एंड यहाँ पर बोला है कि अनमैरिड जो चाइल्ड है या अनमैरिड जो लड़का है, वो कभी भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना नहीं कर सकता है। सारे लोग मिलकर ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली की रचना करते हैं। और यहाँ पर बात कही गई है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस लड़की की हम लोग शादी करते हैं, उसके पति के मर जाने के बाद या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वो लड़की जो है यहाँ आपके यहाँ पर आकर रहने लगती है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में आकर रहने लगती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे ऐसा नहीं कि भगा देंगे, आपको भी राइट्स बनता है कि आप उसे मेंटेनेंस दे या फिर उसकी जो केयर है उसको करें। तो ऐसी परिस्थिति में आप केयर करने के यहाँ पर लाइबल होंगे, आप कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर अधिकार दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अपनी बेटी को कह दिया गया कि वो पति की परिवार की सदस्य मानी जाती है, तो अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है, पति मर जाता है या किसी कारण बस वो मायके में आकर रहने लगती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसकी एक तरीके से कहा जाए कि केयर करें। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर टॉपिक में। मैंने बहुत सारे पॉइंट नोट आउट की हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट ये आती है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली संयुक्त हिंदू परिवार में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। कौन कौन से मिलकर सदस्य का निर्माण करते हैं? फर्स्ट है कि वे पुरुष जो पुरुष वंशानुक्रम में आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जैसे दादा हो गए, फिर इसके बाद आपके पिता हो जाते हैं, फिर आप हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है सामपार्श्विक एंड थर्ड पॉइंट है दत्तक ग्रहण। कभी कभी क्या होती है कि कोई कपल्स की बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं। जब चाइल्ड अडॉप्ट किया जाता है तो अडॉप्टेड चाइल्ड भी उस हिंदू परिवार का, उस हिंदू फैमिली का सदस्य बन जाता है, दीन आश्रित हो जाते हैं। दीन आश्रित मीन्स कि किसी के मम्मी पापा हो गए तो क्या होते हैं कि मर जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपके यहाँ पे बहुत दिनों से एक औरत जो है काम करती है, एक लड़का जो है काम करता है, तो उसको आप लोग क्या करते हैं कि उसको फैमिली का मेंबर बना देते हैं। तो इस तरीके के व्यक्ति भी फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। ओके, एंड फाइव होते हैं, फाइव ये पॉइंट है कि वे पुत्र भी जो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू पुरुष एवं ईसाई माता से जिनका जन्म हुआ है, वे भी जो पुत्र होते हैं वो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के सदस्य माने जाते हैं। एंड सिक्स पॉइंट है हिंदू सदस्यों की पत्नी। हिंदू सदस्य की पत्नी, जैसे कि आपके यहाँ पे दादा हो जाते हैं या फिर आपके पिताजी हो जाते हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की सदस्य मानी जाती है, मैंने पहले ही बता दी। एंड जो कुमारी पुत्रियाँ हैं,
जैसे कि आपके यहाँ की जो सिस्टर हो जाती है, आपकी जो बेटी है वो भी एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली की सदस्य मानी जाती है। यहाँ पर एक बात और पॉइंट आ जाता है कि इलीगल बच्चे, जो अवैध बच्चे हैं, वो भी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के सदस्य माने गए हैं, बट को पार्सनर में ऐसा नहीं है, आगे मैं डिस्कशन करूंगी। तो आज आपने जाना कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली किसे कहते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से सदस्य होते हैं, क्या चीज होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। अगर फैमिली लॉ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फटाफट से क्लिक करके आएंगे, फटाफट से टिक लगा के आएंगे, फटाफट से इसका आंसर देंगे कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं जो कोपार्सनरी, कोपार्सनरी मीन्स होती है सहदायिकी। क्या होती है? सहदायिकी। अब यहाँ पर चलते हैं कि सहदायिकी क्या होती है। सहदायिकी जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली की तरह बहुत ही बड़ा परिवार नहीं माना जाता है, यह एक छोटा सा अंश मात्र है। क्या है? यह एक छोटा सा अंश मात्र है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष वंशानुक्रम में आते हैं, जैसे आपका पितामह व्यक्ति, मीन्स कि एक व्यक्ति, इसके बाद तीन पीढ़ी, एक तरीके से कहा जाए तो सभी मिलकर चार पीढ़ी तक क्या होते हैं कि सहदायिकी कहलाती है। जैसे कि अगर हम इसको लेके चले तो चार पीढ़ी हो जाएगी, चार पीढ़ी, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो तीन पीढ़ी तक। पुरुष वंशानुक्रम के अंतर्गत तीन पीढ़ी तक अगर कोपार्सनरी बनती है, और अगर पूरी की बात किया जाए तो चार पीढ़ी तक कोपार्सनरी बनता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि जैसे कि आपका परदादा हो गए, फिर दादा हो गए, पिता हो गए, फिर आप हो गए, तो ऐसे ऐसे करके ये जो पीढ़ी है वो सहदायिकी के अंतर्गत आएगी। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक केस है नरेंद्रा वर्सेस बीटी कमिश्नर AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 14 के केस में बताया गया है कि यह एक लघु तरीके की संस्था है, लघु संस्था है, यह ज्वाइंट हिंदू फैमिली की तरह बहुत बड़ी संस्था नहीं है, बहुत बड़ी संगठन नहीं है, यह एक लघु संगठन है। और इसमें कहा गया है कि जिसमें वे पुरुष संतान आते हैं जो तीन पीढ़ी तक है, पुरुष संतान आते हैं जो तीन पीढ़ी तक है। ओके, तीन पीढ़ी तक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि तीन पीढ़ी ही लिख देंगे, ये पूरा मिलाकर चार पीढ़ी एंड पर दादा यानी प्रपितामह को छोड़कर तीन पीढ़ी तक आते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट करने के बाद क्या हुआ कि सारे पुरुष लोगों को ही सिर्फ जो सहदायिकी की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होता था, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि ये बहुत ही घटिया तरीके का सक्सेशन एक्ट था। 1956 के सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत सिर्फ पुरुष को ही सिर्फ संपत्ति में हिस्सा दिया जाता था। इसके बाद 2005 में क्या किया गया, 2005 में सेक्शन 6 में बताया गया कि महिलाओं को भी, मीन्स बेटियों को भी क्या होगी कि बेटियों को भी, या फिर उनकी शादी हो जाती है या फिर वो अविवाहित रहती हैं या विवाहित रहती है, इससे कोई मैटर नहीं करता है, उसको सहदायिकी की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त होगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि मैंने बताई थी कि इसमें इलीगल जो पुरुष है या इलीगल जो संतान है, बच्चे हैं, वो क्या होते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के सदस्य माने जाते हैं। बट हिंदू कोपार्सनरी में क्या होती है कि इलीगल बच्चे जो हैं क्या होते हैं कि कोपार्सनरी के अंतर्गत वो सदस्य नहीं माने जाते हैं। ओके, कोपार्सनरी के अंतर्गत सदस्य नहीं माने जाते हैं और उनको पार्टीशन करने का भी अधिकार नहीं होता है, सिर्फ वे मेंटेनेंस पाने के अधिकारी होते हैं, सिर्फ मेंटेनेंस पाने के राइट्स होती है, इसके अलावा कोई चीज का उन्हें राइट्स नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं कि सहदायिकी कब समाप्त होती है। सहदायिकी जो है कब समाप्त होती है, जैसे कि पिता कहता है कि मैं अपना खुद का संपत्ति बनाऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर विभाजन के द्वारा, फर्स्ट पॉइंट आता है विभाजन के द्वारा सहदायिकी की समाप्ति हो जाती है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है कि जो अंतिम सहदायिकी है, अंतिम जो सहदायिकी वंशानुक्रम है उसकी मृत्यु हो जाती है। वंशानुक्रम के अंतर्गत
मृत्यु हो जाती है तो सहदायकी की समाप्ति हो जाएगी। जैसे कि वह जैसे कि यहाँ पर जो आपके परदादा है वो मर जाते हैं, फिर इसके बाद में दादा मर जाते हैं, फिर इसके बाद में पिता मर जाते हैं, या फिर इसके बाद में आप भी मर जाते हैं, तो क्या होती है कि अंतिम सहदायकी वंशानुक्रम की मृत्यु हो जाने के बाद क्या हो जाएगा कि आपकी उपासनरी जो है खत्म हो जाएगी, मीन समाप्त हो जाएगी। ओके, तो आपने एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है सहदायकी, इसके अंतर्गत हम लोग समझते हैं। ओके, जैसे कि प हो जाता है, फ ब, यहाँ पर कितने पीढ़ी तक है, यहाँ पर चार पीढ़ी तक, पांच पीढ़ी तक दिया हुआ है। तो मैंने क्या क्या बताई कि एक व्यक्ति को छोड़कर तीन पीढ़ी तक, एक व्यक्ति के ऊपर वाले व्यक्ति को कहा जाए कि प्रपितामह मीन्स परदादा के बाद जो है तीन पीढ़ी तक क्या होती है कि सहदायकी होती है। तो यहाँ पर ये क्या होंगे कि फ हो जाएगा, ब हो जाएगा, ब के पुत्र जो है च और छ, क्या हो जाएंगे, तीनों पीढ़ी तक सहदायकी का निर्माण होगा। लेकिन ये जो ज और झ है, म और न है, उनको आपको उपासनरी संपत्ति के अंतर्गत उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। बट अगर इसकी मृत्यु हो जाती है, क्या होती है कि इसकी मृत्यु हो जाती है, पौ की मृत्यु हो जाती है, फिर क्या हो जाएगा कि आपका जो मेन जो व्यक्ति है मीन्स पर दादा या प्र पितामह व्यक्ति जो है फ बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट पीढ़ी एंड सेकेंड पीढ़ी एंड थर्ड पीढ़ी, तो फिर इसके बाद इन लोग को भी संपत्ति मिलने लगेगी। ओके, क्या होगा, इन लोग को भी संपत्ति मिलने लगेगी, क्योंकि जो पहले वाले जो क्या होती है कि ये जो मर जाते हैं तो फिर इसके बाद में खिसक कर यहाँ पर फ पर चला जाता है, वंशानुक्रम जो है फ पर चला आता है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि मैम अगर ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यह व्यक्ति जिंदा है, तो क्या इसके बाद दो और बन जाएंगे पीढ़ी? नहीं, ये वन पीढ़ी सेकेंड पीढ़ी एंड थर्ड पीढ़ी रहेगा, बस इन्हीं लोग को संपत्ति मिलेगा, बाकी इन लोग की मृत्यु हो गई है तो ये तो खत्म हो ही जाएंगे। तो यहाँ आपने समझा कि कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद में आगे जो पीढ़ी है वो खसकती नहीं है, बल्कि वही के वही रहती है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, एक केस है कमिश्नर ऑफ गिफ्ट टैक्स वर्सेस एनएस गेट्टी चेट्टियार 1972 स्टेट ऑफ मद्रास के केस में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोपार्सनरी में ऑल फैमिली जो है संपत्ति के हकदार होते हैं। ऑल फैमिली मीन्स कि कहा जाए कि जो ऑल मेंबर हैं वो संपत्ति के हकदार होंगे, मीन्स कि ये भी को इसको इसे भी राइट्स होगा बराबर की संपत्ति का, इसे भी राइट्स होगा बराबर की संपत्ति का, इसे भी राइट्स होगा बराबर की संपत्ति का, इसे भी राइट्स होगा बराबर। ऐसा नहीं कहा जाएगा, ऐसा नहीं कहेगा दादा कि ये जो संपत्ति है पूरी की पूरी मेरी है, पिता ने ऐसा नहीं कहेगा कि ये जो संपत्ति है पूरी की पूरी मेरी है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो इस केस में ये चीज़ बताया गया है कि कहा कोपार्सनर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की संपत्ति में पार्टीशन के पूर्व कोई निश्चित अंश का हकदार नहीं होगा, सारे लोगों को क्या होगी कि सारे लोगों के जो संपत्ति है उसके ओनर रहेंगे। सहदायकी में जितने भी यहाँ पर पुरुष वंशानुक्रम है या महिला है, जो बेटियों को भी अधिकार प्राप्त किया गया है, तो वो क्या है कि बराबर बराबर की हकदार होगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आप जो है संपत्ति के मेन ओनर है। ओके, अब हम लोग आगे समझेंगे कि सहदायकी की विशेषताएं क्या हैं, सहदायकी की विशेषताएं क्या क्या हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू कोपार्सनरी, यहाँ पर जो फर्स्ट विशेषताएं हैं, इसमें बताया गया है कि पूर्वजों की पुरुष संतानें तीन पीढ़ी तक क्या होगी कि एक पूर्वजों की पुरुष संतानें फर्स्ट हो जाती है, सेकेंड हो जाती है, थर्ड हो जाती है, तीन पीढ़ी तक क्या होंगी कि कोपार्सनरी का निर्माण करती हैं। एंड क्या होती है कि उन्हें क्या है कि जन्म से राइट्स प्राप्त हो जाता है। किस चीज़ का राइट्स प्राप्त होता है? कोपार्सनरी का, कोपार्सनरी संपत्ति का राइट्स हो जाता है, जन्म से प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर सेकेंड जो विशेषताएं हैं, सेकेंड कहा गया है कि उन्हें कोई भी चीज़ों का अंश मांगने का या फिर विभाजन करने का यहाँ पर क्या होगा कि अधिकार होता है। कोई भी जो कोपार्सनरी मेंबर है क्या कर सकता है, फर्स्ट जो मेंबर है वो भी कर सकता है कि मुझे इतना हिस्सा चाहिए या फिर मुझे विभाजन करना है, या फिर थर्ड मेंबर भी कर सकता है। हर लोग जो है एक दूसरे के अंतर्गत क्या कहा जाए कि वह एक ओनर की तरह होते हैं, और
कोई भी व्यक्ति जो है अंश मांग सकता है, हिस्सा मांग सकता है या विभाजन करने का अधिकार हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट हो जाती है, थर्ड जो फीचर्स हो जाते हैं हिंदू को पार्टनरी के अंतर्गत, इसमें कहा गया है कि जब तक पार्टीशन नहीं होता है, जब तक पार्टीशन नहीं होता है वहाँ पर क्या होगी कि हर व्यक्ति जो है, हर को पार्टनर जो है क्या होगा कि एक तरीके से कहा जाए कि संपत्ति का ओनर होगा। जब तक पार्टीशन कोई भी सहदायकी का नहीं होता है तो वो ओनर होगा संपत्ति का। तो क्या होती है कि यहाँ पर संपूर्ण संपत्ति का स्वामित्व जो है, स्वामित्व जो है तीनों पीढ़ी में, चार पीढ़ी जो है आपके पूर्वज को मिलाकर जो चार पीढ़ी हो जाती है, चारों पीढ़ी जो है क्या होगी कि एक तरीके से कहा जाए कि वो संपत्ति के ऊपर स्वामित्व होगा, मीन्स ओनरशिप होगा। चौथा पॉइंट है, स्वामित्व के कारण उस संपत्ति पर भी सहदायकी की संपत्ति पर कब्जा एंड जो कोई भी प्रयोग है वो क्या है कि संयुक्त रूप से होता है। ओके, चौथे पॉइंट कहता है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो पार्टनरी संपत्ति है, जो तीनों पीढ़ी हो जाती है या तीनों सहदायकी हो जाते हैं, मीन्स चारों सहदायकी से बिना कंसेंट के ना तो आप बेच सकते हैं और ना ही दान कर सकते हैं। ना ही आप क्या कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं ना ही दान कर सकते हैं। मीन्स कि जो आपकी सहदायकी जो मेंबर है उसके अंतर्गत आपको जो है कंसेंट लेना बहुत जरूरी है और बिना आवश्यकता के आप बेच भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ आपने जो जितने भी फीचर्स थी आप सहदायकी की आपने समझ लिया। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।